अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस आज दिन है मंडे का और अभी सुबह के बज रहे हैं 11। हम जा रहे हैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने नई नई टी शर्ट के साथ। जी हाँ, ये देखिए नई टी शर्ट मैंने ली है ये, मगर ज़्यादा महंगी नहीं है। कितने की होगी अंदाज़ा? कुल 180 रुपये की। ज़्यादा महंगी नहीं है, डेली यूज़ घर में पहनने के लिए ली है, मगर इसमें थोड़ा सा एक पंगा हो गया। ये पेट पर थोड़ी सी हो रही है टाइट। अच्छा, ये छोटी नहीं है, पेट ज़्यादा बड़ा है। कोई बात नहीं। तो गाइस दूसरों को तो सब मजाक उड़ाते होंगे, मगर हम तो अपने ही मजाक उड़ाते हैं। तो अभी करने जा रहे हैं नाश्ता हम यहाँ पे। तो हल्का फुल्का सा नाश्ता है, दोपहर में खाना थोड़ा सा भारी होने वाला है हमारा। मतलब भारी से मुराद बहुत भारी नहीं, थोड़ा सा नाश्ते से थोड़ा सा भारी होगा। तो भी हल्का सा चाय वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं दोपहर खाने में। और गाइस यहाँ पे हमारी हानिया रानी भी उठ चुकी हैं, और ये देखिए आपको सबको माम कर रही है। हानिया माम कर दो, माम करो सबको जल्दी से माम। देखिए हमने अपनी बच्ची को माम करना भी सिखा दिया। तो गाइस सबको हानिया ने माम कर दिया है अभी। ठीक है गाइस, अभी फातिमा ने भी नाश्ता कर लिया है, मैंने भी नाश्ता कर लिया है, हानिया ने भी यहाँ पे फीटर पी ली है अपनी। और अभी हम चलते हैं जाफराबाद, थोड़ा सा कुछ सामान लेकर आना है पकाने के लिए। तो गाइस मेरे मुँह के आगे हानिया का मुँह देखिए कितना छोटा सा लग रहा है, बिल्कुल है ना भाई। चलो अच्छा अच्छा आप डांस करो। ओ मेरा थालम, ओ मेरा बालम थानेदार चला। अभी डांस कर रही थी हानिया, डांस करो। ओ मेरा बालम थानेदार चलावे जिपसी, करो यार। तो अभी मैं गाना गा रहा था ऐसे ही ये वाला, तो हानिया कर रही थी डांस। मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाते हैं, मगर अब नहीं कर रही है। करोगी आप डांस? करोगी? ओ मेरा बालम थानेदार चलावे जिपसी, मेरा बालम थानेदार, करो 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 करो। तो गाइस ये आप लोग जानते हैं हमारी बहुत प्यारी सी रानी है। और देखिए यहाँ पे मैंने ये टी शर्ट कर ली है चेंज। अच्छा ये जो कपड़ा है ना, ये लायकरा कपड़ा कहलाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये बहुत गर्म होता है या फिर इसमें इसे गर्मी में पहन नहीं सकते, मगर मैंने अपना एक्सपीरियंस करा है कि ये गर्मी के हिसाब से बहुत बढ़िया कपड़ा है। आप लोगों को अगर याद हो, मैं ये दो टी शर्टें हैदराबाद जाने के टाइम लाया था, तो फातिमा ने भी देखते ही बोला था कि इतनी गर्म टी शर्ट लिया है, मगर ये गर्म नहीं है, इतनी सॉफ्ट है, इतना बढ़िया कपड़ा है। आप लोग नाम ध्यान से सुन लीजिए, लायकरा। अगर आप लोग टी शर्ट पहनते हैं या फिर शर्ट, अभी मैंने शर्ट भी कुछ लेकर आया हूँ, मैं दिखाऊँगा आपको जब पहनूंगा, वो भी लायकरा में ही लाया हूँ मैं। बहुत बेहतरीन कपड़ा है, मतलब ठंडा, इस जैसी ये गर्मी पड़ रही है ना, चिपचिपी गर्मी इस टाइम, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया कपड़ा आई है। तो देखिए हमारी हानिया थक चुकी है, यहाँ पे लेट गई है। गाइस अभी रामपुर जाने के लिए सबसे पहले हमारी हानिया की शॉपिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे फातिमा थोड़े हल्के हल्के से सूट लेकर आई हैं अभी पहनने के लिए हानिया के लिए। और ये देखिए ये तीन तरह के मतलब निक्कर हैं, अंडरवियर हानिया के लिए एक आई है, एक ये वाली टी शर्ट आई है। और ये वाला सूट खोलना फातिमा, ये अच्छा लग रहा है देखने में, कलर भी अच्छा है इसका। और अगर आप लोगों को याद हो एक वाली जो हमें मतलब एक गिफ्ट आई है, उसका भी यही कलर है, मगर वो हम पहनाएंगे बकरीद पे, ठीक है। और बकरीद तक तुम अपना कुर्ता भी सही करा लेना, क्योंकि गाइस वो जो कुर्ता आया है ना फातिमा के लिए, वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी बड़ा है वो, तो उसकी फ़िटिंग करानी पड़ेगी अभी। तो फातिमा ने ये सोचा कि बकरीद पे पहनेंगे हम, तो जिन्होंने हमें भेजा उन्होंने हमसे बोला भी है कि मतलब आप जब पहनोगे तो वीडियो ज़रूर बनाना, तो हम जब भी वीडियो बनाएंगे और उनको दिखाएंगे पहन के। तो यहाँ पे हानिया की तो शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है अभी हल्की हल्की सी, वो भी अभी हमारा रामपुर जाने का प्रोग्राम है पक्का है वैसे, मगर गाइस थोड़ी सी गर्मी आप लोगों को पता कितनी हो रही है। फातिमा देखो हानिया का यहाँ पे है ना बिल्कुल बारीक बारीक से दाने निकल रहे हैं गर्मी के, तो इसके पाउडर है ना डर्मिकूल वो डालो, बिल्कुल बारीक बारीक हो रहे हैं गाइस, इसे बहुत गर्मी लगती है बहुत। रात भी हम पूरी रात एसी में सोए हैं, और देखो यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है पाउडर भी रखा हुआ, ये रखा हुआ है, हाँ ये वाला पाउडर डालो इसके, काफ़ी बारीक बारीक दाने हो रहे हैं हानिया के। तो गाइस प्रोग्राम पूरा बना हुआ है हमारा, इंशाल्लाह हम जाएंगे ज़रूर, कोशिश पूरी है हमारी, और दो तीन दिन में ही निकलने की कोशिश है। अभी है बारिश हो जाए ज़रा बाद में, पानी वाली बारिश हो जाए ना तो मज़ा आ जाए एक दफ़ा, मतलब चारों तरफ पानी पानी पड़ जाए तो बहुत बढ़िया लगेगा। और फिर नहीं तो मैं, अरे रसगुल्लों की बारिश हो जाए तो क्या कहने फातिमा। और यहाँ पे फातिमा ने सुबह उठते ही लगा ली थी वॉशिंग मशीन हमारी, देखिए डेली कपड़े उतरते हैं हमारे यहाँ पे, तो डेली ढेर लग जाता है कपड़ों का। अभी इधर भी धुले रखे हुए हैं और यहाँ पे बाल्टी में भी धुले रखे हुए हैं, क्योंकि हम चारों डेली कपड़े बदलते हैं। देखिए ये भी धुले रखे हुए हैं, हम पाँच हैं तो यहाँ पर भी रखे हुए हैं गाइस धुले हुए कपड़े। और रैयान हमारा भी सो रहा है, रैयान उठ जाओ फटाफट। देखो ये भी यहाँ पे भी इतने सारे रखे हुए हैं धुले हुए, ये अब इनको फैलाने जाएंगे। हाँ और ये देखिए हानिया का हमारा प्यारा सा टॉप, कल पहना था हानिया ने, कल मतलब कहीं गए थे ये लोग, मैं तो गया नहीं था वहाँ पे, तो वहाँ पे पहन गई थी हमारी हानिया, बहुत प्यारी लग रही थी कल। तो ठीक है गाइस अभी चलते हैं, अपना कुछ काम निपटाते हैं,
हाँ बेटा, हाँ क्या कह रही हो आप? कर दिया आनिया ने सबको, माम कर दिया दोबारा से भाई। ऐसा नहीं है कि हम इसे डांस ही सिखा रहे हैं, डांस हम नहीं सिखा रहे, ये खुद ही नाचती है, मगर हम इसे माम भी सिखा रहे हैं। हल्के हल्के से आइज कहाँ हैं, नोज कहाँ हैं, मौसम बढ़िया हो गया। तो गाइस अभी देखते हैं बाहर का मौसम, कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ खबर आई है कि बाहर का मौसम चेंज हुआ और वो सूत्र कौन है? फातिमा। तो अभी चलते हैं बाहर। फातिमा जरा इसे आने को पकड़ो एक दफ़ा, अभी देखते हैं बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। बाद में कहा कि धूप जा चुकी है। हाँ मेरा गुड्डा मेरी गुड़िया, तो आप नीचे उतर जाओ। तो गाइस यहाँ पे अचानक से धूप सारी गायब हो चुकी है और मौसम देखिए कितना बढ़िया होने जा रहा है। अल्लाह ताला शाम तक बारिश करवा दे मेरे मालिक, सुन ले इस नेक परवरदिगार इस नेक बंदे की। यार हंस रही हो तुम तो फातिमा, फातिमा हंस रही है जैसे मैंने कहा कि सुन ले परवरदिगार इस नेक बंदे की, तो फातिमा को आ गई हंसी। तो गाइस अभी मौसम बहुत अच्छा है, हवा चलनी स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं इंशाल्लाह शायद शाम तक बारिश बरस जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सांस फूल चुका है अभी हमारा, आज ही आज में ये दूसरा चक्कर है। आपके घर में भी ऐसे ही होता है क्या? आप हमें कमेंट से बताइएगा, पहले मैं सांस ले लूँ। तो गाइस सारा सामान लाने के बाद अभी भी फातिमा ने छाज और ये कसूरी मेथी इसको मंगाना मुझसे भूल गई और अभी दोबारा हमें फिर भेजा। तो आप लोगों के घर में भी यही होता है क्या? आप लोग बताइएगा, ये लेडीज यही करती हैं, एक दफ़ा मैं सारा सामान बताती नहीं है और अब दोबारा हमें भेज दिया वहाँ पर कसूरी मेथी और छाज लेने। और गाइस यहाँ पे हमारे आलू ही उबल चुके हैं अभी और ये पूरी के लिए आटा तैयार है। अभी आलू पूरी बनने जा रही है दोपहर में और हम खाएंगे इसे छाज के साथ। देखिए छाज के पैकेट भी आ चुके हैं। तो अभी फातिमा गई है पहले हानिया को नहलाने के लिए, हानिया नहा ले पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे होगा खाना पकाना शुरू। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:10 और यहाँ पे हमारा खाना बनने जा रहा है अभी दोपहर का। हम हो चुके हैं लेट क्योंकि नाश्ता भी आज थोड़ा सा लेट कर रहा था हमने, है ना भाई? तो यहाँ पे फातिमा बना है, क्या बोलो बोलो। हाँ नाश्ते में कुछ नहीं खाया था गाइस, सिर्फ दो पापे और चाय। तो इस वजह से थोड़ा सा बहुत हल्का नाश्ता था, बहुत ही हल्का। तो इस वजह से भी यहाँ पे दोपहर का खाना जो है थोड़ा सा हेवी बनने जा रहा है। पूरी पूरी बना रही है ना या रोटी बनाओगी? नहीं, तो वो मैदा है आटा है? आटे की पूरी बनेंगी। तो ठीक है गाइस, आटे की पूरी और आलू की सब्जी। हाँ तो हमारे यहाँ भी ये बनने जा रहा है गाइस, अभी लेते हैं इसके दोपहर में मजे। आलू का सब्जी नहीं, आलू की सब्जी, आपने कहा आलू का सब्जी तो मेरे मुंह से निकल गया भाई, क्या करूँ। और अभी यहाँ पे आलू पूरी की सब्जी बनने जा रही है, बड़ी मजेदार चटपटी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। तो आइए मैं रेसिपी दिखा देती हूँ। पहले डालेंगे इसमें प्याज। कितना प्याज? दो प्याज हैं। मतलब बड़े बड़े छोटे छोटे? मीडियम साइज। कितने मीडियम, ज़्यादा मीडियम या छोटे मीडियम? अभी इंची टेप लेकर आ गए। तो गाइस अभी यहाँ पे आलू की सब्जी बनने जा रही है, बड़ा मज़ा आने वाला सच में। अभी सुबह से जी करता है इसका आलू की सब्जी का, तो जब से मुँह में पानी ही पानी है, इतना पानी है कि हमने आज मोटर ही नहीं चलाई, अपने मुँह से ही टंकी भरी ऊपर वाली जाके। तो ठीक है गाइस अभी देखते हैं उसका सामान। ये मसाले निकाल लिए मैंने, ये अचार का मसाला है जिसको मैंने थोड़ा दरदरा कर लिया है। दरदरा? हाँ। अब ये दरदरा क्या होता है पता नहीं, कहाँ से नए नए रामपुर के लफ्ज लाते हो। दरदरा क्या है ये? दरदरा थोड़ा कूट लिया है, न्यूको के थोड़ा कूट लिया है। हाँ और ये कुटी हुई मिर्च, ये तो बेचारी बचपन से कुटी हुई है। और हल्दी, थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, और ये है जीरा। और उसके बाद टमाटर, ये हैं उबले हुए आलू। अच्छा,
तो ठीक है गाइस, अभी हमारे यहाँ पे जो ये प्याज है ये थोड़े से जोश आ रहे हैं, नहीं करना इनको हल्के हल्के करना। अच्छा, अब इसमें क्या डालेंगे? इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक, डाल देंगे इसमें टमाटर डाल दिए और थोड़ा सा डाल दिया हमने लहसुन अदरक, और अब ये डालेंगे मसाले एक एक करके। एक एक कर गए तो सारे मिल गए, कोई बात नहीं, सालन में भी मिलना ही है। तो गाइस देखिए कितना अच्छा हो गया ये मसाला। अच्छा पका है, नहीं अच्छा पहले हो गया, मतलब खुशबू आ रही है आपको, पूरी की खुशबू नहीं आ रही? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गाइस इसके अंदर से, बहुत अच्छी। पानी डाल देते हैं थोड़ा सा। तो गाइस थोड़ी सी डालेंगे इसमें हींग, हींग भी स्वाद अनुसार डालनी, हींग भी थोड़ी सी डालनी है हाजमे के लिए। हाजमा होता है ना, खाया है नहीं हाजमे की, पहले बात होने लगी, अभी वैसे ही पहले हाजमा हुआ है सुबह से। तो गाइस यहाँ पे हर डिश की तरह मैं इसमें हाथ लगा देता हूँ, देखिए बहुत बढ़िया लगता है फातिमा खाना बनाना। हाँ मैं होटल खोलूँगा अभी, अपने नाम से खोलूँगा, अथर अहमद मास्टर शेफ फ्रॉम रिटर्न अमेरिका, ठीक है इस तरीके से। तो उसके अंदर हम ज़्यादातर आपको कॉन्टिनेंटल फूड और पता नहीं कौन से होते हैं, मुझे एक ही नाम याद था, मैंने वही बता दिया। तो इसमें अजीब अजीब से आपको नए नए तरह के हम खाने दिखाएंगे इंशाल्लाह। कसूरी मेथी, इसका कसूर क्या था बेचारी का जो ये कसूरी मेथी हो गई, इसने क्या कसूर करा है, है भाई। एक तो ये हमारे अरे इसे छाछ को तो उसमें रखवाओ भाई फ्रिज में, ये तो छाछ गर्म हो जाएगी। रैयान बेटा ये फ्रिज में दोगे रखो छाछ, अभी पियेंगे गाइस हम छाछ पूरी और छोलों के साथ, छोले नहीं पूरी और आलू की सब्जी के साथ। बेटा भूख तो हमें भी लग रही है, हट जाओ तेरा काम हो रहा बेटा यहाँ पे। तो गाइस ये मसाला भुन चुका है, देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल भुन चुका है फर्स्ट क्लास। अब इसमें डाल देते हैं आलू गाइस अभी रैयान ने मुझसे बोला, मैंने रैयान से कहा रैयान छाछ ले आओ जाके, तो रैयान साहब गए नीचे छाछ लेने, दो मिनट में ऊपर आ गए, यूँ कह रहे हैं कि वो डैडी नीचे बंदर बैठा हुआ है, बंदर नहीं था बेटा। अच्छा यूँ कह रहा है कि डैडी उससे पूछ लो कुत्ते से, कुत्ता बैठा हुआ था वहाँ पे, तो मैंने कहा हाँ भाई यहाँ पे बंदर घूम रहे थे, तो कुत्ता यूँ कर रहा था। हाँ ये कर लो पहले तो गाइस अभी ये बच्चे बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगे हैं हमसे, ये बड़े होने लगे हैं, अभी स्टार्ट अभी इन पे नजर बहुत रखनी पड़ेगी हमें। मुझसे यूं करा कि बंदर आ गए नीचे, फिर मैं खुद गया चार मंजिल नीचे उतर के चार मंजिल ऊपर चढ़ के आया, ये कितनी नन्ही सी जान है और कितना काम करती है घर का, मतलब मैं अपने आप को कह रहा हूँ इसको नहीं। तो डाल देते हैं कसूरी मेथी और ये हो गया है, पानी डाल देते हैं थोड़ा सा गाइस, इसमें पानी डालेगा और ये हमारी सब्जी यहाँ पे है तैयार बिल्कुल। फातिमा 3:30 बज चुके हैं, अभी भूख जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे। हाँ गाइज अभी हानिया छोटी है ना, तो अभी हानिया सुबह उठती देखिए, अभी वो बड़े प्यार से सो गई है, इतने सारे काम तो हानिया के। हाँ मैं तो 9 बजे तो हाँ रैयान तो खैर उठ गया था 9 बजे, मगर बस बिस्तर 11 बजे छोड़ा है ना, तो अभी देख चलते हैं हानिया को देखने के लिए, देखिए कितने प्यार से भी सो रही है यहाँ पे, ये सो रही हमारी हानिया। तो गाइज यहाँ से गर्मी इतनी आ रही है ना कि हमने पर्दा डाल रखा है, अभी गेट भी बंद कर रखा था, अभी देखिए दोबारा से मौसम बनना शुरू हुआ है, धूप फिर से जाना स्टार्ट हो गई है, मतलब जाना शुरू हो गई है फिर से धूप। अल्लाह ताला बस रहमत की बारिश कर दो मेरे मालिक। पिछली बार फातिमा ध्यान है जब कुरान खानी हुई थी तो हमने दुआ भी मांगी थी, जिसमें मैं बहुत रोया था दुआ मांगते हुए, तो अल्लाह ताला ने एकदम से ही बारिश कर दी थी मेरे मालिक ने, तो अल्लाह ताला अब की बार भी बारिश बहुत जल्दी से कर दो। अल्लाह ताला ये रो रहे हैं बहुत, बारिश कर दीजिए। हाँ अल्लाह ताला बारिश कर दो, सच में बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा पूरी रात एसी बंद नहीं हुआ हमारा, पूरी रात मतलब सुबह भी बंद नहीं हुआ भाई, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी थी। गाइज हानिया को और रैयान जवान को बहुत गर्मी लगती है और मुझे खुद लगती है, खैर पहले मुझे नहीं लगती थी, अब मुझे भी लगने लगी। बेटा अब आप शहर में आ गई ना, अब जो शहर में की हो गई हो भाई, अपना गांव अच्छा होता है सच में। नहीं गाइज ये तो खैर हकीकत है, ये तो खैर मैं मजाक करते रहता हूँ फातिमा को छेड़ने के लिए, मगर खैर ऐसा है कि जो लाइफ गांव की है ना, मतलब मैं कहता हूँ दिल्ली की बेहतर है भाई दिल्ली की लाइफ बेहतर है फातिमा, गांव की लाइफ तो बस गांव की है,
तो ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए हरा हरा जो है हरा धनिया है, मैं आपको बता दूँ, और वो हरी हरी हरे 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 हरी हरी मिर्चें हैं जिनको भी फातिमा काटेंगी और वो उसके ऊपर हम बुरकेंगे बुरकेंगे ना ऐसे बुरकते न्यू न्यू करके, जैसे तुम नए नए लफ्ज़ सीख रही हो मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा करके बुरकेंगे। अभी खुद क्या करेंगे, कंबल दरा टाट का दरा करेंगे, क्या करेंगे अभी दर दरा करेंगे इसको मसाले को अभी। हाँ तो ठीक है गाइस, अभी खाना तैयार हो जाए, पूरी बनेंगी फिर। भूख लग रही है ना गाइस, तो ये इसलिए कुछ। अच्छा गाइस, ऐसा होता है मेरे साथ अक्सर, ऐसा हुआ है कि जब मुझे भूख लगती है जब भी मैं बड़बड़ाता हूँ, और जब मुझे मेरा पेट ज़्यादा भरा होता है जब भी मैं बड़बड़ाता हूँ। तो ये पैदाइशी है अपनी बड़बड़ाने की आदत, पैदाइशी तो खैर नहीं है, अभी ज़्यादा हो गई है। पहले तो मैंने आपको बताया कि बहुत शर्मीला सा था मैं, सीधा सा बच्चा। तो गाइस हमारे पूरी का सालन रेडी हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम दही। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस देखने में ये, और मुझे और पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जायके का होने वाला है। ये है हरा धनिया और पुदीना। अच्छा, और ये है हरी मिर्च। तो ठीक है गाइस, हमारा यहाँ पे सालन अभी तैयार है ये। तो गाइस यहाँ पे हमारी पूरी बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है अभी। ये आटे की पूरी है, वैसे तो फातिमा कई दफा मैदे की भी बनाई है, मगर अभी क्या दिमाग में आई जो आटे की बनाई भाई है? तो आटे की बनती है। तो उस दिन जो मैदे का जो बनाया था वो क्या बनाया था? अच्छा वो भटूरे थे, सॉरी गाइस मुझे मालूम नहीं था कि भटूरे जो है वो मैदे के बनते हैं, पूरी जो है वो आटे की बनती है। तो अभी हमारी यहाँ जा रही है पूरी तेल के अंदर, और गाइस इस बात का ध्यान रखें कि जब आपको पूरी बनानी हो तो पहले तेल को गर्म कर लें, क्योंकि हमने नीचे देखिए इसके आग जला रखी है, देखिए। तो हर बात बतानी ज़रूरी होती है, कभी आप लोग ऐसे ही ठंडे तेल के अंदर तलने खड़े हो जाएं। किचन की गृहिणी हैं कौन? गृहिणी ये किचन की गृहिणी है, गृहिणी। तो गाइस देखिए ये हमारी छोटी सी टोकरी है, और हम इस पर फॉइल पेपर लगाएंगे। फॉइल पेपर लगाए गाइस, इसके अंदर पूरी हमारी इसमें रखी जाएगी, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगेगी और खाने में तो खैर टेस्टी होने वाली है ही है, ये तो पक्का है। तो गाइस यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म पूरी स्टार्ट है बननी, जो कि बहुत जायके की लग रही है। देखिए एक तो बन भी चुकी है ये वाली, इस तरह का शेप आया इसका बन के गोल गोल, पापा की पूरी गोल गोल, मम्मी का चश्मा गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, मम्मा पैसा कहते हैं पूरी कहते हैं, मम्मा की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। तो भाई गाइस ये फटाफट यहाँ तैयार हो जाएं, और उसके बाद इसे पहुँचाते हैं अपने दस्तरखान पे और लेते हैं पूरी सब्जी का मज़ा। भाई गाइस बाहर भी मिलती है पूरी सब्जी, मैं ज़्यादा सुबह लिया था, मगर भाई मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बाहर का खाना हम लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत ही मजबूरी में खाना पड़े फातिमा तो बात अलग है, मगर वैसे हम खाते नहीं हैं। कल जैसे मुझे जाना था तो हाँ, जैसे कल फातिमा को कहीं जाना था मतलब बाजी के साथ, तो फातिमा ने खाली रोटी रोटी मंगाई, हाँ, और सालन जो है फातिमा हमारे लिए बना गई थी। कल फातिमा ने बनाया था दही गोश, और उसकी रेसिपी कल मैं सारा दिन घर पे नहीं था, मेरे पीछे इन लोगों ने वीडियो बनाई दही गोश की, मगर वो रैयान से सही नहीं बन पाई जिसकी वजह से मैंने डाली नहीं। अभी देखूंगा अगर हो सका तो शायद उसमें से कुछ छाट छाट के वीडियो मैं डाल दूं, मगर वो दही गोश जो था ना फातिमा बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। देखिए यहाँ पे हमारी पूरी भी पूरी जो है पूरी तरीके से फूल चुकी है, बढ़िया लग रही है फातिमा, बहुत बढ़िया। बस ऐसे जायकेदार खाना फातिमा हमें खिलाती रहो, इंशाल्लाह हमारे सिक्स पैक इंशाल्लाह एक दिन बन ही जाएंगे, दुनिया हमारे सिक्स पैक देखने आएगी, तुम देखना एक दिन इन्हीं जायकेदार खानों से। सिक्स पैक बना के करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, शादी हो गई। नहीं फिर भी इंसान को फातिमा फिट रहना चाहिए, शादी हो गई नहीं शादी हो गई इसका मतलब क्या आदमी जीना छोड़ दे है? नहीं, जिम नहीं, मैं जिम को नहीं बोल रहा, मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी सुबह गाइस मैंने गुनगुना पानी पिया 2 गिलास, और कम से कम मेरा 15 इंची पेट अंदर चला गया उसे पीने से। तो अभी सोचा है शहद लेकर आऊँगा फातिमा, मैंने रात एक वीडियो देखी थी कि शहद है हमारे घर में, अच्छा तो रात मैंने एक वीडियो देखी थी कि गाइस 1 चम्मच शहद और उस पर आधा नींबू चम्मच के ऊपर ही निचोड़ लो, और उससे फातिमा ऐसे ही खा जाओ, और ऊपर से कम 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी गर्म गुनगुना गर्म पानी पियो, और वो पानी जो हमें पीना है ना वो घुट घुट करके पीना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप पिए चले गए, एक घूट सिप लो फिर दोबारा सिप लो फिर तीसरी बार सिप लो, मतलब घुट घुट करके पीना है, ये बताया था उन्होंने। हाँ मैं सोच रहा हूँ अभी मतलब उससे जो है थोड़ा सा आपके सिक्स पैक बनने शुरू हो जाएंगे। शहद और नींबू जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब बॉडी का फैट काटता है, जो भी चर्बी होगी ना वो हमारी काटेगा,
मगर वो चर्बी काटेगा। बताओ इधर सुबह को पीऊंगा मैं शहद और नींबू और शाम को चिकन फ्राई और ये चल रहे हैं बहुत बढ़िया भैया, ऐसे तो हो गया पेट अंदर। चलो खैर जहाँ हाँ गाइस, एक दफ़ा मैंने जीरा और पानी पिया था उससे मेरा पेट इतना अंदर हो गया मतलब तकरीबन ये तीन हाँ जीरा नींबू। सुबह को तो मैं वॉक पे जाता था पहले, मैं आपको रूटीन से बताता हूँ। सुबह गाइस मैं मतलब सुबह सवेरे उठ के पहले वॉक पे जाता था, वहाँ से आके फिर मैं पीता था शहद और पानी गरम, और उसके बाद फिर मैं एक गिलास ज़ीरा उबला हुआ रात भर का उसे पानी में मिला के गुनगुना करके वो पीता था, और उसके बाद जो है फिर शाम को पीता था। तो गाइस मैंने ज़ीरा पानी इतना पिया मेरा पेट तो बिल्कुल अंदर मतलब मैं इतना स्लिम हो गया, इतना बढ़िया लगने लगा, मैं एकदम से कूल हंट बेहतरीन एकदम, रिश्ते आने शुरू हो गए थे दोबारा नए नए घरों से। मगर गाइस वो इतना ज़्यादा उसने मुझे रिएक्शन दिया, ये तकरीबन 5 साल पुरानी बात है कि मेरी आँख मतलब मेरी आँख जो है ना आइज़ उसकी 3 नसें फटी एक साथ और मेरी पूरी आँख जो थी वो लाल हो चुकी थी, मतलब वो बहुत हाँ ब्लड आ गया था सारा मेरी आँख के अंदर, और मतलब वो जो टाइम था ना बहुत केड़ा टाइम था, मतलब घर का कोई ऐसा मेम्बर नहीं था जिसने मतलब जो मेरे चक्कर में मेरी मोहब्बत में जो नहीं रोया, सब ने ही रोना कर रखा था, जो दूर थे वो फ़ोन कर करके देख के रोते थे, और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी 5 साल पहले। तो मुझे खुद महसूस हुआ ये कि अभी मैं ज़ीरा पानी पी रहा हूँ तो इसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने कहा कि अभी ज़ीरा जो होता है उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना फातिमा, तो आप लोग अगर कोई भी पी रहा हो तो प्लीज़ इस तरह की काम मत करें, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं कर चुका हूँ एक दफ़ा, भुगत चुका हूँ उसको। तो अभी मैंने अच्छा जब से ही फातिमा इधर तो देखो, जब से ही मेरे साथ ये हुआ था, जब से ही मैंने अपने पेट के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया था जिसकी वजह से ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया, वरना गाइस मैंने अपने आपको इतना स्लिम कर लिया था कि अगर मेरे पास फ़ोटो होती ना तो आप यूँ कहते कि हाँ भाई मतलब शाहिद कपूर। और फिर अल्लाह का करना ये हुआ था कि मेरे ना ब्लड की उल्टी हो गई थी। हाँ मतलब दिमाग में नहीं। मतलब गाइस वो जो सीन था ना वो इतना ख़तरनाक था कि मैं रात को सही सोया बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और मुझे 1 महीना हो गया था तकरीबन वो पीते पीते, और सुबह 8 बजे मेरे साथ वो सीन इतना ख़तरनाक हुआ कि मैं सो के उठा और मुझे चक्कर आए। हाँ 8 बजे थे सुबह के, और मुजफ्फरनगर वाले बहन बहनों ही आए हुए थे दोनों इत्तेफाक से, और बॉम्बे वाला भांजा जो है मेरा जो आया था ओखला में वो भी उस टाइम हमारे घर पर आया था। मतलब उस टाइम 8 बजे मेरी इतनी बुरी हालत हुई कि मतलब मुझे वोमिट हुई खून की वोमिट हुई मुझे, और ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेके भागे और मुझे एडमिट कराया। मैं एडमिट रहा वहाँ पे, मेरी आँख की 3 नसें फटी और बस। खैर वो जो वक्त था वो कट गया, मगर अभी गाइस ऐसी गलती नहीं करना अपनी बॉडी के साथ, आप लोग भी खिलवाड़ ना करें। ऐसा नहीं कि हमें स्मार्ट दिखना है खूबसूरत दिखना है तो हम उल्टा सीधा खुद कुछ भी खाएं। हाँ शहद हालांकि नींबू भी देखो फातिमा नुकसान देता है, नहीं 3 महीने बाद देता है। मैं अभी शुरू करूँगा इंशाल्लाह 2-4 दिन में इंशाल्लाह। वो 3 महीने बाद नुकसान। हाँ जैसे तुम नुकसान दे रही हो 3 महीने बाद नहीं गाइस मजाक है, तो फौरन देखती है एक दफ़ा मैं एकदम से मेरी तरफ को, बस ये हैंडसम हस्बैंड मिल जाते ना तो इन लेडीज़ों का यही रोते रहता है, बात बात में देखना है बस हमारी तरफ। क्या हुआ बेटा? ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारी पूरियाँ भी तैयार हैं, देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं पूरियाँ हमारी, और अभी हम जा रहे हैं इनको खाने के लिए, वहाँ लगने जा रहा है दस्तरखान। बाद में थोड़ी सी करारी करो इसको भी, अरे बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, रयान साहब तो हमारे पास काम ऐसा करते हैं। चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट लेके। तो गाइस यहाँ पे हमारी पूरियाँ जो हैं वो दस्तरखान पे जा रही हैं। जोहान आ जाओ बेटा हाथ धो के फटाफट। और गाइस यहाँ पे हमारी पूरी और पूरी की सब्जी आ चुकी है, और ये हमारी छाछ भी आ चुकी है। फातिमा साथ आ जाओ, साथ खाएंगे भाई बैठ के हैं। वैसे तो हम 5 हैं मगर हम 7 खाएंगे बैठ के। आप खाओ मैं बना रही हूं ना। कितनी रह गई अभी ये? अभी तो आप लोग खाओ बना। चलो ठीक है फटाफट आ जाओ। हाँ गाइस वैसे अगर इन्हें अभी नहीं खाओ ना तो ये थोड़ी सी मुलायम सी पड़ जाएंगी, फिर ये अच्छी नहीं लगती मुलायम होने के बाद, अभी कुरकुरी सी अच्छी लगेंगी। तो चलो अभी बच्चों आप दोनों शुरू करो, निकाल लो। तो ठीक है गाइस हम शुरुआत करते हैं अपने खाने की। तो ठीक है गाइस अभी हम अपना खाना शुरू करते हैं यहाँ पे, जो कि शक्ल से ही बहुत ज़्यादा जायकेदार लग रहा है। आज ही आप लोग भी और हमारे साथ इस खाने का मजा ले लीजिए आके। अरे यान आपको भूख लग रही है, अब कैसा लग रहा है? अच्छा हो रहा है। तो हाँ जी फातिमा जी कैसी लग रही है आपको ये पूरी सब्जी जो कि मैंने बनाई है? बहुत अच्छी बनाई है आपने, बहुत बढ़िया बनी है गाइस। और ये छाछ जो है ना मसाले वाली
इसके साथ और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये फातिमा ने चटनी बना रखी है ना, ये वाली आम की चटनी, मतलब जायका यार, दिल कर रहा है कि बस खाए जाओ और खाए जाओ, बस मज़ा आ गया गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। फातिमा मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी ये वाली वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, और अभी हमें शाम को भी एक रेसिपी दिखानी है, तो मैं सोच रहा हूँ इस वाली वीडियो को यहीं पे कट कर देते हैं, ठीक है। अभी दूसरी वीडियो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, उसे भी रात में डाल देंगे, इस वाली को भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे बंद, इस उम्मीद से कि शायद आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और अभी दूसरी वीडियो अपनी यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी रात तक ही आ जाएगी हमारी, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और वीडियो आगे शेयर भी करते रहिए साथ साथ में। तो ठीक है गाइस, बंद करते हैं इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।